धन जौवन जीवन राज्य सुखम नहि नित्य मनोखन नाश परम तेज ग्राम कथा सकलम विफलम भज गोद्रुम कानन अंजीविदुम भज गोद्रुम कानन अंजीविदुम भज गोद्रुम कानन अंजीविदुम। श्रीशिल भक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, ये जगत का तमाम व्यवस्था जो है सारे टेम्पोररी है, नथिंग परमानेंट। ये जगत का जितना भी व्यवस्था आप बनाओ, जितना व्यवस्था बनाओ, जितना सिक्योरिटी करो, जितना भी कुछ करो, ये दुनिया का सारी व्यवस्था जो है सब टेम्पोररी है, उसमें परमानेंट कुछ नहीं है। ये जगत क्षणभंगुर है, ये जगत नाशवान है, ये शरीर नाशवान है। इतना तो अगर बुद्धि जाए तो भी काफी, भगवत प्राप्ति तो दूर की बात है। इतना तक अगर बुद्धि पहुंचे कि हमारा शरीर नहीं रहेगा, हमारा ये घरवार कुछ नहीं रहे, बस इतना अगर बुद्धि आ जाए तो भी काफी है। देख, इतना भी पहुंच नहीं पाता जगत का आदमी। विषय के द्वारा जो सुख मिलता है, विषय सुख, इसी को ही सर्वोच्च समझ के बैठे हुए हैं। इसका कोई सलूशन निकाले तो अच्छा है। जब तक इसका परमानेंट कोई सलूशन नहीं निकले, भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव जी को बुद्धि बहुत सुंदर विचार बताए 11वां स्कंदों में, हम बताएंगे। हम बोला हर वक्त हरि कथा तो होते रहते हैं, एक एक टाइम एक एक विषय के ऊपर फोकस रहे तो हमारा पूरा जिंदगी में कम से कम बहुत चीज आ जाएगा, हम तो चले जाएंगे, कथा तो रह जाएगा। 11वां स्कंद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बामन गोस्वामी महाराज बहुत चर्चा करते थे, बड़ा सुंदर। सुनने वाला कौन है, समझने वाला कौन है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए, उद्धव बताए प्रभु बुद्धिमान कौन है इस जगत में, इस जगत में बुद्धिमान कौन है, कौन वास्तव विद्वान है, कौन दरिद्र है, कौन धनी है, ये सब एक एक करके प्रश्न रख दिया भगवान के सामने, और उद्धव जी को एक एक करके इसका समाधान किया भगवान। बुद्धिमान कौन है, भगवान श्री कृष्ण उत्तर दिए, ईशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीणम जत सत्यम अनृते नेह मरते न अपनति अमृतम। बुद्धिमान तो वो है जो ये नाशवान शरीर को प्राप्त करने का बाद ये सोच में लगे हुए हैं कि ये शरीर क्या एंजॉयमेंट के लिए, भोग के लिए, बस दो दिन के लिए आया जगत में, ये सब किया और फिर चला गया, जाए तो जाए, कहाँ जाए, जाने का जगह कहाँ है, मरने के बाद कहाँ जाए, और जो रिश्तेदारी में मैं फंसा हुआ हूँ वो लोग कहाँ जाए, बचाने वाला कौन है। ये जो बुद्धि है, जो विचार है, इसी को ही भागवत में वेदांतों में सुंदर बोला है, इसी का नाम है बुद्धि, बुद्धिमान व्यक्ति है, इसी को ही बुद्धिमान बोला जाता है। जो ये शरीर, दो दिन का शरीर प्राप्त करने का बाद अमृत कैसे मिले, अमृत कैसे मिले, इसका सोच में है। अमृत जो अमृत कुंभ मेला में मिलता है, वो अमृत प्राप्ति करने के लिए हमारा कोई रुचि नहीं है। शिला सरस्वती ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद अपना पूरा जिंदगी में कभी भी कुंभ मेला में जाकर डुबकी लगाने का, अमृत प्राप्ति करने का कोई
इच्छा नहीं प्रकट की। हरि कथा तो बोले पर भी माधव गोस्वामी महाराज मेरा गुरुजी बहुत सारे, लेकिन मेरा रुचि नहीं। कुंभ मेला में जाकर नहा के स्नान मना के फिर कोई दान पुण्य करके और उसके अमृत प्राप्त कर लो। ये जो अमृत है ये अमृत रहेगा नहीं, ये कल्प तक अजर अमर बन जाता है देवता लोग, लेकिन कहाँ तक? शरीर में कोई व्याधि क्लाम क्लांति वार्धक्य किस स्पर्श नहीं करता, व्याधि क्लाम वार्धक्य कोई आता ही नहीं, ये अमृत। लेकिन महाराज ये अमृत कहाँ तक रहने वाला है? अमृत तो ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, ये अमृत रहेगा नहीं। और जो अमृत परिवेशन श्रील परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी ने की, वो अमृत है वास्तव अमृत, जो आत्मा का साथ अनंत काल रहने रह जाएगा। आपका ये शरीर मर मिट जाए लेकिन ये जो अमृत है ये कभी छूटेगा नहीं, आत्मा का साथ रह जाएगा। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषी नाम, बुद्धिमानों में उसी को ही बुद्धिमान माना जाता है जो अमृत प्राप्त करने के लिए विचार करता है क्या किया जाए। जो वेदांतों में अथोतो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रथम जो भी है। अब इधर भागवत जी का महिमा चर्चा करने बैठे, वहाँ आप देखोगे देवता लोग सब स्वर्ग से अमृत लेके अमृत का कलश लेके आए पहुँचे हुए हैं। और श्रील सुखदेव गोस्वामी जी के पास दंडवत करके विनती किए, महाराज एक काम करो, आपको तो अमृत पिलाना है ना, ये परीक्षित को अमृत पिला के अमर करोगे, तो ऐसा करो ना हमारा स्वर्ग में जो अमृत है ये उसका लेके आए हैं ये पिला दो। आज जो भागवत कथा का अमृत हो जो अभी आप परिवेशन कर रहे हो वो हम लोगों को दे दो, ऐसा बोला। बड़ा भारी दुख पहुंचा, बड़ा धक्का पहुंचा। सुखदेव गोस्वामी सोचे कि देखो इतना स्वार्थी है, देवता लोग इतना स्वार्थी हैं, वो देखो वो चिंता भी करे तो उसका चिंता कहाँ तक जाए, वो विचार भी नहीं किया कहाँ तुम अमृत लेकर आए हो स्वर्ग का अमृत और कहाँ ही भागवत अमृत, इसका बिजनेस करने के लिए आए हो, एक्सचेंज, इसका कोई एक्सचेंज वैल्यूएशन होता है, इज देयर, इसका एक्सचेंज वैल्यूएशन है, जो एक्सचेंज करते हो इसका बदले में ये दे दो, ये स्वर्ग का अमृत है। अब वो भागवत अमृत है जो आत्मा को एकदम पुष्ट करके भरपूर करके भगवान के पास भेज दे। दुखी हो गया और मन ही में कोई जवाब नहीं दिया, किसका साथ बात करे, जवाब दे तो किसको जवाब दे, जवाब नहीं दिया, चुप हो गया। और मन ही मन विचार किया सकार जी कुशला सुराहा, इतना मन में सोचा, बोला भी नहीं, सकार जी कुशला सुराहा, सुराहा ये देवता लोग अपना काम को बनाने के मनाने के लिए बड़ा मतलबबाज है, होशियार है। जैसे तुलसीदास जी बताते हैं ना, राम भजन का आलसी और भोजन का होशियार, भोजन का टाइम में बहुत होशियार है। ठाकुर जी का कार्तिक महीना चल रहा है, आरती दर्शन करो, आओ भक्त लोगों के साथ इधर कीर्तन करो, कुछ नहीं, मरने के लिए आए हो, परिक्रमा में जाओ भक्त साधु संतों का साथ। परीक्षित महाराज भागवत कथा सुनने के लिए बैठे, सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन अनोखा प्रवचन अमृत धारा, और देवता लोग इधर आए एक्सचेंज करने के लिए, तो सुखदेव गोस्वामी जी कुछ बातें नहीं किए, किसका साथ बातें किया जाए। और मन ही मन विचार किया सकार जी कुशला असुरा,
अपना काम को हासिल करने के बड़ा मतलबबाज है, बड़ा चालू है ये लोग, कुछ उत्तर नहीं दिए। अब काल भगवत जी का जो महिमा है उसका जो पहला श्लोक है उसका चर्चा किया थोड़ा, इसी में पूरा दो घंटा अढ़ाई घंटा चला गया। तो अब हमको चिंता हो रहा है कि एक महीना का अंदर तो भागवत होता ही नहीं, अब करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा क्रीम उठाकर पूरा आनंदमय विचार सुनो। तो सारी जिंदगी एक एक टॉपिक्स जो है वो सुनना पड़ेगा। उद्धव संवाद जो है उसको लेके एक महीना प्रवचन, तब तो आस्वादन होगा। आस्वादन करने वाला कोई आदमी है तो हमको दिखाई नहीं पड़ता, आस्वादन करने वाला कोई है हमको दिखाई नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी बड़ा पूरा जिंदगी में, प्रभुपाद जी बोले हम पूरा जिंदगी भारत का हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक छानबीन किया, कहाँ भी कथा किया, लेकिन रस आस्वादन करने वाला मिला ही नहीं। वास्तव रस, जो रस में डूबे हुए हो, मेटेरियल रस, जड़ रस, रस तो है ही है। विदाउट रस हु इज गोइंग टू लिव, रस के बिना तो कोई जीना नहीं चाहता। सब रस में है, कोई बोले रस में नहीं है, सब रस में है। लेकिन जो रस में डूबे हुए है वो रस रस नहीं है। जो रस ये भागवत अमृतों का रस जो है, भगवान भगवत भगवान भगवान का सेवा, उसी में जो रस है वो अमृत है, वही रस, ये रस नहीं। पहले भी बताया था ये संसार समंदर है, इसमें डुबकी लगाना चाहते हो खूब लगाओ, लेकिन इसमें आप मर जाओगे। लेकिन कथामृत समुद्र जो है, भक्ति समुद्र जो है, जो हम दो दो बार तो आने के बाद दो बार कम से कम कह चुके हैं उस श्लोक को, संसार सिंधु उत्तरणे हृदय यदि स्वात इत्यादि बोल चुके हैं। अगर ये संसार समुद्र को पार करने का इच्छा पैदा हुआ तो कथामृत समुद्र संकीर्तन में डूबो, अनायास पार हो जाओगे, चुटकी लगा के पार हो जाओगे। नहीं तो अपना प्रयास प्रचेष्टा जितना भी करो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। काल बताया था पूरा तो व्याख्या होने में बहुत समय लग जाता है एक एक चीज का। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्वादि हेतवे तापत्रयो विनाशायो श्रीकृष्णाय भूयम् नमः। बोले सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्वादि हेतवे तापत्रयो विनाशायो श्रीकृष्णाय भूयम् नमः। सच्चिद आनंद घन भगवान का शरीर है, हमारा शरीर खून रक्त मांस जो है खून पसीना से बने हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी का शरीर ऐसा नहीं, सच्चिद आनंद घन शरीर है, घन श्याम। और ये विश्व का स्थिति संहार और सृष्टि जिनके द्वारा संपादित होता है, किसके द्वारा, काल भी बताया, काल भी ये सब उठाया था, गजेंद्र मुखन का ये उधर से जस्मिन जतो जतुश हैं जस्मिन जेन जतुश्चेदम जनीद जेनेदम ज इदम स्वयं। आप जो आप में आप लोगों में जो व्याकरण पढ़ा है उसमें जो कारक विभक्ति आता है, कारक विभक्ति आता है ना, केस एंडिंग अंग्रेजी में बोलता है, इट इज कॉल्ड केस एंडिंग, केस एंडिंग बोला जाता है। उसमें जितना सारे उत्तर है, कौन क्या किसके द्वारा किस लिए कहां से, ये सब सारे जो उत्तर है, सारी जो केस एंडिंग है, इसका अल्टीमेट ऑफ पॉइंट में जाओ तो देखोगे भगवान श्री कृष्ण छोड़कर कोई नहीं है। सारे इतना उत्तर, इतना क्वेश्चन, तमाम दुनिया क्वेश्चन करते हैं, अरे क्वेश्चन जो करते हो ये क्वेश्चन का पीछे, तमाम क्वेश्चन जो है उसका पीछे जाओ, एकदम पीछे ओरिजिनल कॉज, उसमें जाके देखोगे हरे हैरान की बात है, कुछ नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु
व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते जो स्टूडेंट लोग आए हैं, छात्र लोग, अंतिम में जब प्रेम एग्जिबिट करना शुरू कर दिया, भगवान जिसलिए आए हुए इतना दिन तो निमाए, बहुत सारे उदम मचाए, बहुत सारे लीला किए, पंडित लोगों को पराजित किए, दिग्विजय पंडित को पराजित किए, सब किए, अब विद्या रस में प्रचार भी किए, सब कुछ, लेकिन जब भगवान का ये लीला आया, वो भक्ति रस को प्रचार करे, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं, अलग अलग कथा हुआ, वहां चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित किए प्रेम। गया से पिंडदान करने का बाद आया तो उधर माधवेंद्रपुरीपाद जी का कीपा लेने का बहाना किया, भगवान किसको, भगवान किससे कीपा ले, ये तो बहाना है। जब सन्यास लीला हुआ तो सन्यास लिया किससे, केशव भारती से, तो केशव भारती का, केशव भारती सामने बैठे हुए हैं, केशव भारती का कानों में अपना मंत्र दे दिया, मेरा नाम ये है, मेरा मंत्र ये, आप उसको ही उस सम्मुख से सुना क्या लीला है, केशव भारती जी को मंत्र दिया, हाँ देखिए केशव भारती से सुना, ताकि आम आदमी सोचे कि सन्यास लिया है प्रभु, भगवान का सन्यास तो स्वतःसिद्ध है, भगवान का सन्यास जो है ये स्वतःसिद्ध है, ये तो स्वतः, इसमें कोई बनावटी नहीं है, स्वयं भगवान का जो सर्वविद ऐश्वर्य जो है उसमें ऐश्वर्यस्व समग्रस्व वीर्यस्व जसोस्त्रिय, इसमें वैराग्य आदि सब कुछ जो है हम चर्चा करेंगे, समय तक समय पर चर्चा करेंगे, सारे हैं ठाकुर जी में। तो ठाकुर जी सन्यास लेने का बहाना किया, वहां भी सिलम ईश्वरपुरीपाद जी से, ईश्वरपुरी गया में गया, ईश्वरपुरीपाद जी का साथ देखा हुआ, ईश्वरपुरीपाद माधवेंद्रपुरीपाद जी का शिष्य है, वहां जो प्रेम प्राप्ति करने का बहाना किया, ये तो भगवान है, भगवान का गया जाके बुखार आया, ठाकुर जी का बुखार, और ठाकुर जी का बुखार जाता ही नहीं, जितना दवा दिया, दवा कराया, परहेज कराया और बुलाया वैद्य को, बोले महाराज ये कैसा बुखार है, जाता ही नहीं, बोले महाराज ऐस काम करो, महाप्रभु स्वयं बोले तो एक काम करो, जाओ शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव का चरण धूलि जो जल है वो लेके आओ, वो माथे में दे, वो पान करे, सब बुखार खत्म हो जाएगा, साक्षात भगवान, थिंक ऑफ इट, साक्षात, उसीलिए तो उसका नाम है भगवान, इसीलिए इसका नाम है साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान कृष्ण, कृष्ण चैतन्य, एक ही बात है। तो जब चरण जल पिया और माथे में दिया तो खत्म है। ब्रज ब्रज लीला में भी एक ही बात है, जानते हो, बाद में चर्चा करेंगे, ब्रज भूमि का लीला आए तो वहां जाके ईश्वरपुरीपाद जी का कृपा लेने का बहाना किया, आके जिस काम के लिए चैतन्य महाप्रभु का वास्तव संकीर्तन तो है ही है, आप ब्रज रस, ब्रज की जो रस है उसको प्रचारण करने, ब्रज की भाव, ये असली बात है, ब्रज की जो भाव है ये भाव को चैतन्य चरितमृत में है, कृष्णदास कुबेरा जी से लिखे है, आमी बिना ब्रज प्रेम दीते नहीं सकती, भगवान का कोई भी अवतार हो, लेकिन कोई भी अवतार में ये ब्रज प्रेम देने का हिम्मत नहीं है, एकमात्र स्वयं रूप भगवान जो है कृष्णचंद में, वो भी द्वारकाधीश कृष्ण नहीं, मथुराधीश कृष्ण नहीं है, नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जो है, इनमें ये क्षमता है प्रेम देने का, ब्रज प्रेम। ब्रज प्रेम कैसा है, संसार का जो प्रेम है वो तो चख लिया, लेकिन ब्रज की जो प्रेम है उसका बारे में दसवां स्कंद जब शुरू होने जा रहा है तब हम थोड़ा बहुत इंडिकेशन देंगे, थोड़ा हम दिग्दर्शन देंगे, जिसका दिमाग है, दिल है, दिमाग है, पोपा जी के जमाने में एक आर्टिकल निकाला था, दिल और दिमाग, इसका बारे में बोलने चले जो भागवत बंद हो जाएगा, ये भागवत ही चर्चा है, दिल और दिमाग, इसी के बारे में चर्चा चलते रहे, कौन दिल है, क्या दिमाग है, बड़ा विचार की बात है। विश्वोत्पत्वादि हेतवे
विश्व का जो कारण है सारे सृष्टि श्रुति प्रलय जिस भगवान से संपन्न हो रहा है ये सच्चिदानंद भगवान है। और भगवान का चिंतन करो तो तापत्रय विनाश, ये तो मामूली बात है, तापत्र आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक ये तो सामान्य बात है, बच्चा का बात है, ये नाश करना है तो चुटकी के बात है, अरे ये तो दूर की बात है। भले सदगुरु का भजन किया, सदगुरु का सेवन किया, मठ में रहा, महाप्रसाद पाया, संकीर्तन किया, स्टिल देर इज नो प्रोग्रेस। कैसे हो सकता, मठ में रहा, प्रसाद पाया, संकीर्तन किया, सब कुछ किया, सदगुरु का सेवा किया, लेकिन भजन में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुआ। जबकि हमारा भागवत जी महापुराण में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो तुम बोले हो कि रजोतमो सतो रजोतमो भाव ही जाता नहीं, रजोतमो जो भाव है इससे बाहर निकालो। हम तो विनती करते हैं सबका चरण में जे कम से कम ये जो जगत का जो इन्फ्लुएंस है माया देवी का, इसका ये चक्कर है, इससे बाहर निकालो कम से कम। जगत का जो मेटेरियल, जगत का जो माया देवी के सतरज तमो दून, इसके द्वारा जो नचा रहा है, पुतली पुतली को नचाते हैं ना, पुतली नाचन देखा पुराने जमाने में, जो बूढ़ी माँ है सब देखा, ये सूते धागा से पुतली को नचाया जाता। ओ बाहर का आदमी उदय ऐसे पुतली कैसे लड़ाई कर रहा है, पुतली कैसे बात कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, लेकिन पीछे में पुतली को नचाने वाला कोई है। जो कुंती देवी का स्तव आए तब देखोगे कितना सुंदर कुंती देवी बात है, नटो नट्टो धरो यथा, नटो नट्टो धरो यथा, जैसे पुतली ये पुतली नाच होता है, नाटक होता है, नाटक में पीछे से कोई उसको ड्रामा का सब वो बोल देता है, वो ये बोल वो बोल, वो एक्टिंग करता है। कुंती देवी बोला ये सब स्टेज है, इट इज ये जो है स्टेज, यू आर एक्टिंग, एक रोल तुमको भी दिया गया, इसको भी दिया गया पुलिस का रोल, इसको भी दिया गया चोर का रोल, इसको दिया गया मैजिस्ट्रेट का रोल, एक एक रोल प्ले कर रहा है सब, एक एक रोल प्ले कर रहा है। इसलिए नटो नटो धरो यथा, और ये प्रकृति का जो प्रभाव है इससे विमुक्ति होना चाहिए, मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं, मुक्ति तो योगी ज्ञानी ये सब मुक्ति लाभ करता है, लेकिन भक्तों जो है विमुक्ति, मुक्ति का जो पक्का भाव है, क्योंकि योगी ज्ञानी मुक्ति होने का बाद भी पतन होने का पॉसिबिलिटी है, संभावना है, भागवत में ब्रह्मा जी का कहना है, आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतति अधो अनादृतो जुस्मत अंग्रयो। ठाकुर जी बहुत क्लेश साधन करके ऊंचा 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 बहुत ऊंचा पद पर गया, ब्रह्म पद पर गया ऑलमोस्ट, और उसका बाद तुम्हारा चरण को ठुकराया, तुम्हारा चरण का सेवा नहीं किया। आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतति अध अनादृत जुस्मत अंग्रयो, तुम्हारा जो चरण चरण कमल का सेवा उसको ठुकराए, वो नित्य नहीं हो, बेकार है, ये तो भाव है, बेकार की भाव है, इट इज ए काइंड ऑफ इमोशन, दे थिंक सो, ये लोग सोचता है इमोशन है बेकार, भक्ति क्या है, अरे भक्ति इमोशन है, भक्ति का व्याख्या क्या है। प्रभुपाद जी को एक आदमी बताया, प्रभुपाद जी भक्ति का डेफिनेशन एक शब्दों में बोलो, एक शब्दों में, प्रभुपाद एक शब्दों में बताया, भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल, भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन, व्हाई इट इज क्वाइट नेचुरल, तुम्हारा जो आत्मा है, तुम्हारा आत्मा का जो स्वाभाविक जो वृत्ति है, ये है भक्ति, समझा मेरा बात, स्वाभाविक वृत्ति, स्वाभाविक वृत्ति समझाओ महाराज, हम समझे नहीं स्वाभाविक वृत्ति, पानी का स्वाभाविक वृत्ति क्या है, लिक्विडिटी,
लेकिन इसको सब जीरो टेम्परेचर में ले जाओ तो व्हाट यू कैन सी, ये पानी जो है तो लिक्विड है, स्वाभाविक वृत्ति, लेकिन इसको सब जीरो टेम्परेचर में ले जाओ सॉलिड हो जाएगा। वो पत वो जो बर्फ है उसको तुम्हारा दिमाग में फेंके तो तुम्हारा सर फट जाएगा, जाएगा कि नहीं, पत्थर जैसा हो गया। तो ये जो स्वाभाविक वृत्ति है पानी, और सुंदर उदाहरण सुन लो, बरसात हो रहा है, लेकिन बरसात होने का टाइम में ऊंचा पर्वत है, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे जगह है, लेकिन पानी कहाँ जाएगा, पानी तो बरसेगा हर जगह, लेकिन सारे पानी क्या करे पर्वत का ऊपर, जहां भी ऊंचा जगह पड़े अल्टीमेटली नीचे आ जाए, नीचे आ जाएगा सब पानी। तो तुम्हारा भी आत्मा का स्वाभाविक वृत्ति है तीनादोपी भाव रहना। क्यों तीनादोपी खो दिया तुम, वाई? तुम्हारा स्वाभाविक नियम था, तुम्हारा आत्मा का यह स्वाभाविक वृत्ति था जो तीनादोपी सुनाई चिन्हो तुम्हारा हृदय में स्वतः है, लेकिन खो गया कैसे? क्यों तुम अहंकारी हो, क्यों दूसरे का पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारा खुद का नुकसान है, कितना नुकसान हो रहा है, तुम ये विचार नहीं कर रहे हो। तो तुम्हारा स्वाभाविक वृत्ति है त्रिनादोपी, तुम्हारा स्वाभाविक वृत्ति है ठाकुर जी का पास जाना, जैसे हिमालय से गंगा जी, मंदाकिनी गंगा, जमुना जी बहुत पर्वत का दूसरा जगह से हिमालय से निकालती हुई, अल्टीमेटली वेयर दे आर गोइंग, अल्टीमेटली कहाँ जा रही है गंगा जी? कितना पत्थर है, बड़ा बड़ा पत्थर, उसमें धक्का लगा दिया, धूम, घबरा जाओगे रात का टाइम है। अरे बाप रे, गंगा जी का एक एक स्वरूप देखा हिमालय में, पहाड़ी चट्टी में, घबरा जाओगे, भयल भय आ जाएगा, भयभीत हो जाओगे। इतना बड़ा पहाड़ का सा धक्का लगा रुद्रप्रयाग में, वो पानी में, पानी का पानी में एक पैर दो एकदम जाओगे आप, इतना करंट है। तो उसी टाइम में दार्शनिक लोगों ने विचार करके बताया, देखो ये जो गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती, सारी ये नदियां अल्टीमेटली वो सब निकालती हुई अल्टीमेटली समुन्द्र का ओर जा रहे, समुन्द्र का ओर अल्टीमेट गोल, सारे जीवात्मा का गोल है अल्टीमेटली भगवान का चरण में। आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसु, परसु नहीं तो तरसु, ए जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म में तो करोड़ों जन्म बाद, बट योर अल्टीमेट गोल इज टू सर्व कृष्ण भगवान, अल्टीमेट गोल, और कोई देयर इज नो अल्टरनेटिव, नोबडी कैन प्रूव, कोई प्रमाण नहीं कर सकता, कोई प्रमाण नहीं कर सकता, कोई कितना भी बड़ा हो। तो भक्ति स्वाभाविक, जैसे स्वाभाविक नदी सब बहती हुई समंदर का ओर जा रही, तुम्हारा स्वाभाविक वृत्ति भगवान का सेवा करना, लेकिन सब उल्टा हो गया। क्यों? जैसे बर्फ, जैसे पानी लिक्विड है, लेकिन जब टेम्परेचर लो गया तो सॉलिड हो गया, लेकिन सॉलिड तो पानी का वो स्वरूप नहीं है। इसमें माया जी का चक्कर में जन्म होने का बाद माया जी का संग हुआ तो तुम्हारा दिल भगवान से मोड़ लिया, भगवान से पीछे मोड़ लिया। माया भूली सही जीव अनादि, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दया संसार आदि दुख, अनादि बहिर्मुख। किसी ने क्वेश्चन किया, महाराज अनादि मतलब कोई टाइम तो बताओ, कब से जीव अना, फॉरेनर लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, ये लोग बहुत प्रश्न करते हैं, भजन जितना भी करे प्रश्न बहुत करते हैं, मेरा अनादि का मतलब क्या है, मतलब अनादि बोल दिया। अब देखो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए ये टाइम कब से शुरू हुआ, हम किस चीज के बारे में बताएं, एक एक टॉपिक्स के बारे में बताएं कि दिन रात हो जाएगा। टाइम किसको बताता है? आइंस्टाइन को पूछा गया था, आइंस्टाइन व्हाट डू यू मीन बाय टाइम, आइंस्टाइन को पूछा गया था, आइंस्टाइन समय का मतलब क्या, इसका उत्तर दे दे, उसका बाद असली उत्तर हम देंगे। आइंस्टाइन जो बोला वो भी एक सुंदर उत्तर है। आइंस्टाइन बोला टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट, सारे चीजों का सिनारी जो है चेंज होते रह जाए, मूवमेंट, इसका टर्म टाइम। तुम्हारा शरीर बचपन से लेकर आईने का सामने देखो तो चेंज होते जा रहा है, टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट। सारे कॉस्मिक वर्ल्ड,
होल इज अ टोटल कॉस्मिक वर्ल्ड, ये कॉस्मिक वर्ल्ड का वो चेंज होते जा रहा है, पृथ्वी घूम रहा है और सारे चीजों का जो चेंज, ये दुनिया मतलब चेंज, ये चेंज जो है ये टाइम, ये चेंज का मेजरमेंट को जो विषय है इसी का नाम टाइम। पहले जो सृष्टि बोल के कुछ नहीं था, उस समय टाइम बोल के कुछ नहीं था, जब सृष्टि नहीं था भगवान का अंदर में सारे सृष्टि एकदम समा गया सुप्त रूप में, उस टाइम में टाइम बोल के समय बोल के कुछ, अभी तो घड़ी देख रहे हो कितना टाइम हुआ, उस टाइम में टाइम नहीं था। यशई को निश्चय इष्ट काल मथावलंब जीवन तिलोम विलजा जगदन्न नाथा है, ये सब श्लोक चर्चा करेंगे, किया भी है बहुत। तो इसमें जो है ये जो जीवात्मा है घूमते रहते हैं सारे, और जब कुछ नहीं था तो समय भी नहीं था। समय हुआ कब से, जब भगवान से महत्वत्व सृष्टि का चर्चा करेंगे, महत्वत्व महत्वत्व से त्रिगुण कैसे डिवाइड होके आधिकारिक देवता इंद्रियां इतने जितना सारे है, पंचभौतिक विषय कैसे प्रकट हुआ, सब रिलेटिव विषय है, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। ये जो सृष्टि का जो प्रोपागेशन, सृष्टि जो देखो एक पॉइंट, एक पॉइंट से प्रोपागेशन हो रहा है, एक्सपेंशन सृष्टि, और जब प्रलय होगा पागल हो जाओगे। तत्व ज्ञान भक्ति प्राप्ति करने का बाद ये सब समझ में आता है। ये जो महत्व तो से एक्सपेंशन हुआ, कुछ नहीं था, फिर एक्सपेंशन और सृष्टि प्रोग्रेस, सृष्टि का एक्सपेंशन तमाम कॉस्मिक वर्ल्ड, और जब पूरा सृष्टि पूरा ध्वंस हो जाए तब क्या होगा, जैसे प्रोग्रेस ऐसे हुआ ना डायरेक्टली तो उल्टा होगा, ये इसमें समा जाएगा, वो उसमें समा जाएगा, वो उसमें समा जाएगा, आते आते टेंस टू जीरो, जैसे एक से दूसरे एक्सपेंशन हो रहा है ना, और जब विनाश हो तब उल्टा होगा, एक दूसरे का साथ विनाश, सब मार्ज हो जाए एक दूसरे का, ऐसा करते आते आते बस स्क्वीज होके बस सृष्टि नहीं। कितना साइंटिफिक विषय है, तो आइंस्टाइन का जो विषय है बहुत सुंदर है, सुंदर बोला, बहुत परफेक्ट, टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट, सारे दुनिया का मूव करना, इसको टाइम बोला जाता है, इसको ही टाइम बोला जाता है। इसका बारे में बहुत सारी चर्चा है, करने जाए तो समय चला जाएगा। वो टाइम स्पेस और मैटर, टाइम स्पेस एंड मैटर आइंस्टाइन प्रमाण किए इंटर रिलेटेड, इसी का ऊपर बेस करके जो एटॉमिक प्लांट में जो विद्युत आता है, एटॉमिक प्लांट में जो एटॉम हाइड्रोजन में उन सब आविष्कार हुआ उसी का ऊपर बेस करके। टाइम स्पेस एंड मैटर हाउ रिलेटेड विथ ईच अदर, टाइम स्पेस मैटर कैसे एक दूसरे का से रिलेटेड है, तो आइंस्टाइन का ये जो विषय थ्योरी जो है कैसे, और टाइम मतलब आप टाइम मतलब बोला टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट, अ मूवमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट, मूवमेंट जब ही बोलोगे तो मूवमेंट किस वस्तु और कौन व्यक्ति, मूवमेंट जब मूवमेंट मूव कर रहा है तो कौन वस्तु किस चीज का मूव, वस्तु आएगा वस्तु का कंसेप्ट, मेरा बात समझ में नहीं आया। जब मूवमेंट बोला तो मूवमेंट बोलने का साथ साथ तो आएगा कौन मूव कर रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है कौन वस्तु का कौन व्यक्ति का मूवमेंट, ये आएगा कंसेप्शन। तो मूव मूवमेंट बोलने का साथ साथ कंसेप्शन आता है मैटर का, मैटर का सत्व आ जाता है ऑटोमेटिक, और उसका बाद मूवमेंट जो बोल रहा है मूवमेंट के साथ साथ मैटर का कंसेप्शन आ गया, और मैटर जब मूव करे तो कितना दूर तक मूव करे, कितना डिस्टेंस कवर करे, मेरा बात समझा नहीं, तो ऑटोमेटिक इसका डिस्टेंस आ जाता। तो टाइम स्पेस एवं मैटर थ्री इंटर रिलेटेड, इसका ऊपर बेस करके एटॉमिक का बहुत सुंदर सुंदर थियोरी है, ये सब बोलने का टाइम अभी नहीं है। तो जो देखा विचार करके तो उसमें क्या देखा, भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल, तुम्हारा स्वाभाविक वृत्ति, सारे इंद्रिया जो है शरीर का वो काम क्यों कर रहा है, किसका गुलामी कर रहा है, उपनिषद में है सारे इंद्रियों इंद्रिया जो है उसमें आपस में लड़ाई लग गया,
आंखें बोलता है हम सबसे बड़ा है, तो कान बोलता है हम सबसे बड़ा बड़ा है, जवान बोलता है हम सबसे बड़ा है, सब लड़ाई लग गया, बोले हम सबसे बड़ा है। तो उसमें क्या हुआ, प्राण जो है प्राण वायु निकालना शुरू कर दिया, अरे राम 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 चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम ही बड़ा हो, सबसे बड़ा तुम हो, हम नहीं बड़ा। तब चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे रोहो रहो रहो भाई, रुको भाई, तुम ही सबसे बड़े। तो जो आत्मा है, आत्मा सबसे बड़ा है, ये आत्मा का गुलामी कर रहा है तुम्हारा, जो हाथ ये रसोई किया, रसोई करने का भोग लगाया, उसका बाद प्रसाद आया, उसको उसको मिक्स किया, जबान में दे रहे हो, खा रहे हो, किस लिए, कौन ऑर्डर किया? तुम्हारा जितना सारे इंद्रिया है, तुम आंखें देख देख कर चलते हो, ना ठोकर ना खा जाए, हैं? कानों में सुन रहे हो, जैसे कोई धोखा ना कोई दे दे हमको, सो सुनेंगे हम, समझेंगे। तो तुम्हारा जितना सारे इंद्रिया हैं, सब तुम अनोइंगली दे आर सर्विंग दैट आत्मा, जानकारी है नहीं, अनोइंगली, अनजाने में तुम्हारा सारे इंद्रिया है। अरे एक मच्छर काट रहा है, घूम फिर अगर, अरे कौन बोला तुमको इधर जाने के लिए, हाथ, हे हाथ तुमको कौन बोला इधर जाने के, बोले कहाँ जाने, ऑटोमेटिक सेंस ऑर्गन है, इसमें आ गया, इन्फॉर्मेशन हो गया उधर से मच्छर। तो ये जो गुलामी कर रहा है सारे इंद्रियां, सारे कर रहा है, वो जो आत्मा है परमात्मा भगवान, भगवान ये शरीर का अंदर है तो इसका वैल्यूएशन है, न इसके एक फूटी कोड़ी भी कोई कीमत नहीं है, अभी मर जाए तो फेंक दे बाहर। तो भगवान श्री कृष्ण सुंदर उत्तर दिए, हम दसवां स्कंद जब 11 स्कंद चर्चा करेंगे, बोलो कि तुम तो सिर्फ भोपात बताते थे, हम सायंकालीन अधिवेशन में ये चर्चा करेंगे, सारे एक साथ हो जाए तो मुश्किल है, जितना सारे रजो तमो सतोगुण, ये तो चुटकी लगा के जय हो जाए, तुम्हारा जय नहीं क्यों क्यों हो रहा है, सतो रजो तमो गुण जय, ये इसी का चक्कर में तुम पड़े हो। भोपात बोले सारा जिंदगी तुम्हारा त्रिगुणों का जय करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, लड़ाई करके गंवा दिया, तुम कब भजन करोगे, कब रसासाधन करोगे? प्रभुपाद जी तमाम भारत को परिभ्रमण करने का बाद बड़ा अफसोस, तमाम भारत को भ्रमण करने का बाद हिमालय से लेकर समुन्द्र तक दक्षिण, और अफसोस का बाद बड़ा अफसोस का साथ प्रकाश किया, जब हमने पूरा भारत को भ्रमण किया, एक भी जगह ऐसा नहीं मिला जो जो रस मैं देने के लिए जगत में आया वो रस बट नहीं पाया, अब हमारा जाने का टाइम हो गया। जो रस देने के लिए संत महात्मा आता है वो रस लेने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि पात्र, देयर इज नो पॉट, पात्र हो तो तुम खीर दे रहे हो, दूध दे रहे हो मेरे को, मेरा पास पात्र रहे तो तब तो दोगे, हाथ में दोगे क्या, पात्र नहीं है तुम्हारा पास, कोई पॉट नहीं है, पात्र नहीं है, तुम एक पात्रो, पात्रो बनने का कोशिश करो। जैसे बोलता है ना सिलो भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज का कीपा पात्र है, पात्र मतलब जो कीपा दिया है पात्र में रह गया, और कीपा अगर लीकेज पात्र में फूटा सुरख है वो पात्र तो मिला था जरूर, लेकिन कीपा निकल गया, कीपा पात्र तो जरूर है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया वो पात्र क्या है, सुरख है, उससे कीपा निकल गया, तो क्या काम का है? कीपा पात्र मतलब कीपा लेके भरपूर रख दे, वो तो कीपा पात्र सॉलिड है। एक चैतन्य महाप्रभु का कीपा में ऐसा विचार हम करेंगे बाद में, पत्रा पत्रो विचारानम न कुरुते न सौ परंग विक्षते दया दया विमर्श सको न ही नौ भा कालो प्रतीक्षा प्रभु, इत्यादि श्लोकों का विचार करेंगे, पागल हो, रोना शुरू कर दोगे। ये एकमात्र चैतन्य महाप्रभु है, भगवान का किसी अवतार में ऐसा प्रेम नहीं बांटा, हेनो अवतार वैसे की हवे हेनो प्रेम परोचार, इतना बोका है समाज, जहां नाटक हो रहा है वहां जाके टाइम खराब कर रहा है भगवत कथा का नाम पे, दे ऑल फूलिस इडियट, सब मूर्ख है, वहां जाके टाइम खराब कर रहा है, तुम्हारा जिंदगी तो खराब हो जाएगा वो सब कथा सुन के, मजा तो होगा लेकिन कुछ नहीं होने वाला।
पात्र बनाओ, तुम्हारा जो पात्र है इसको बनाओ ठीक से, तब कथा सुनोगे उसका बाद। आगे कथा सुनते सुनते पात्र बनाने का सुजोग आ जाए तो बना लो, नहीं तो जिंदगी में सुधरने कोई चांस नहीं। एक भागवत कथा तो दूर की बात है, भागवत कथा का एक शब्द सुनने के बाद जिंदगी चेंज हो जाता है, एक शब्द। एक पंडित जी ने एक धनी व्यक्ति का, बड़ा भारी जमींदार, उसका पास वाराणसी से बहुत पढ़ के आए, और आने का बाद बहुत पढ़ा, वेदांत तो पढ़ा, भागवत तो सब पढ़ के आए हैं, और आने का बाद वो धनी व्यक्ति जो है, जो बड़ा जमींदार बहुत धनी, उसका पास जाके बोलते जमींदार जी को, आपको हम भागवत सुनाएंगे। जो जमींदार जी बोले, देखो भागवत का, भागवत हम सुनेंगे आपका पास, लेकिन बाद में, अभी नहीं, आपका ऊपर भागवत का कृपा नहीं हुआ है। क्या बात करते हो, हम ना मुखस्त है, हमारा टीका टिप्पणी जो है, हम प्रवचन अभी शुरू कर दे। महाराज आपका ऊपर भागवत का कृपा जब हो तब हम भागवत सुनेंगे, हमारा ऊपर कृपा नहीं हुआ, हम वाराणसी से सब पढ़ के आए, वेदांतो आदि सब, क्या बात करते हो। जब भी आए और बोले हम आपको कथा सुनाएंगे, बोले महाराज आप अभी, आपका ऊपर भागवत का कृपा नहीं हुआ, वो गुस्सा में आ गया, गुस्सा में आके चला गया, क्या हमारे ऊपर भागवत का कृपा नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक दफे संसार में ऐसा हालत हुआ, अपना एक छोटे से बच्चा मर गया, ऐसा हालत पैदा, वो बड़ा दुखी था दिल, क्योंकि ज्ञान तो असली नहीं था, जो वास्तव ज्ञानी है उसको दुख नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, धक्का तो लगा ही है। उसी टाइम में अचानक एक बड़ा भारी, एक सुंदर ऊंचा पहुंचा हुआ संतों का जवान से एक वैराग्य का बारे में भागवत प्रवचन थोड़ा सा सुन कान में आया, एक शब्द प्रवचन भागवत का, एक उधर से गुजर रहा था और भागवत का एक प्रवचन, जो एक श्लोक का प्रवचन थोड़ा बहुत कानों में आया, बस वैराग्य हो गया और संसार को छोड़कर वाराणसी पुनः चला गया, विश्वनाथ के चरण में शरण लिया, ठाकुर जी हमको क्षमा करो, हम तो ऐसे ही पाठ किया, उसका कोई अनुभव नहीं। आज हमारा दिल में, हमारा नस नस में ये जो आज तक भागवत कथा में जो लिखा हुआ है उसका एक शब्द अब ऐसा धक्का लगाया, मेरा नस नस में पूरा एकदम ठाकुर जी का जो चिंतन है आ रहा है, अब क्षमा करो। अब पंडित जी कहाँ है, जमींदार जी ढूंढ रहे पंडित जी कहाँ गया, पंडित जी मिल नहीं रहा, कोई बोल रहा है पंडित जी दुख हुआ बहुत, चला गया कहाँ, बैरागी बन के चला गया, अरे ढूंढो तो सही कहाँ गया, कोई बोला वाराणसी गया, कोई बोला मथुरा गया, कहाँ गया ढूंढो, लोग भेजा। अंतिम में जाकर वाराणसी में जो घाट है, एक घाट है सुंदर, उस घाट में एक घाट है दशाश्वमेध घाट क्या है, वहां जाके पंडित जी अकेला आंसू लेकर भागवत का प्रवचन कर रहा है, जैसे ये पागल जो है बैठा हुआ आपका सामने, ये भी ऐसा किया पागल का माफी, जंगल में सूर्य नारायण भगवान कोई नहीं है और ठाकुर जी को पागल का माफी सुनाते रहे, कोई नहीं है ही, ठाकुर जी सुन रहे पागल का माफी दिन भर, ऐसा नहीं कि दो घंटा तीन घंटा, दिन भर ठाकुर जी को सुनाते रहे। गोकुल में, जंगल में, आनंदगुरी गांव, वहां भी ठाकुर जी को सुनाते रहे, कोई नहीं है। तो ठाकुर जी के सुनाने मतलब हमारा अंदर में ठाकुर है परमात्मा, उसको जब सुनाने का हम चेष्टा किया, ठाकुर जी बोले ये सच्चा दिल का है, वो सुनाना चाहता है, अपने सुनता है ठाकुर जी को, हम तो परमात्मा ही है अंदर में, तो ठाकुर जी का करुणा हो ही जाएगा। तो ये पंडित जी का ऐसा हुआ, और जमींदार जी अंतिम में वो ढूंढते ढूंढते वो पंडित जी का पास गया, पंडित जी का पास जाके उसको दंडवत किया, पंडित जी देखे हैरान हो गया, बोला आप कैसे आए हो, बोला आपका पास कथा सुनने के लिए आया। पंडित जी बोला आप कथा कथा प्रवचन का कोई इच्छा नहीं, बस ठाकुर जी को सुनाता हूं और रोने का इच्छा होता है। और वो जो जमींदार बोला पंडित जी इसीलिए तो आपका पास आया हूं, अभी भागवत जी का कृपा आपका ऊपर हुआ है, अभी आपसे हम भागवत सुनेंगे, अब आप आराम रहो, कोई ना रहे, आप प्रवचन करोगे हम सुनते रहेंगे, श्रोता और वक्ता। तो ऐसा विचार है, जब भागवत जी का कृपा हो जाए एक शब्दों का,
तो आपको संसार से पूरा छुट्टी हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं रहा। संसार से इतना लगन है, छुट्टी हो ही नहीं रहा। तो त्रिताप को नाश करने का जो विचार है उसमें इतना बातें हम बोलते हैं एक एक विषय को ऊपर। तो त्रिताप नाश जो सतत रजतमो एक गुण से बाहर अर्थात आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक, ये छोटा सा बता दे, सब जानता है, सब बच्चा का प्रवचन है ये। तो जो भी है आध्यात्मिक, अपने आप में एक जलन होता है, रेस्टलेस पोजीशन। जब बैठे रहोगे ना, कौन अंदर से एकदम जलन हो रहा है, बैठने नहीं देते। कभी भागता इधर, कभी भागता उधर, पागल का माप। ये जो पागलपंथी उस आध्यात्मिकता अंदर में है, क्योंकि तुम भजन नहीं किया। आदि भौतिकता, किसी ने आपका साथ लड़ाई किया, आपको जख्म कर दिया, किसी सांप ने डांस दिया, एक दूसरे भूतों से हैं, भूतों से जो कष्ट आता है, तकलीफ पहुंचता है, उसका नाम है आदि भौतिक। आदि दैवीता, आदि दैवीता, सोए हुए हो घर में, अब बारिश बहुत हो रहा है, इतना बारिश इस साल को इतना बारिश भाई कि मत पूछो। अंतिम में क्या हुआ, दामोदर वैली डीवीसी का जो बैरेज है वो फूट गया, बैरेज का जो बांध है वो फोड़ गया, अपुर के सारा पानी आना शुरू कर दिया। आपको ध्यान नहीं, सोए हुए वो, और अंतिम में देख रहा, अरे सब पानी जा रहा, बच्चा जा रहा है, हाड़ी फाड़ी जितना सारे अपना बर्तन है सब जा रहा है। कितना घटना हुआ है ऐसा मालूम भी नहीं है, रात को सोया हुआ है, अब बैरेज पूरा टूट गया, अब पूरा पानी होके लाखों हजारों आदमी को मर दिया, पानी में जा रहा है, सोया हुआ है वो, उसका चौकी जो है पानी में जा रहा है, बच्चा जा रहा है, मैया जा रहा है, कौन किसो रखा कर। ये जो फ्लड आया, आग लग गया, भूकंप हुआ, ये आधी दैविक ताप, ये तीनों ताप से आपका कोई छुटकारा नहीं है। ये तीनों ताप से जिंदगी भर लड़ाई करो लेकिन कोई उद्धार नहीं, उद्धार संभव नहीं। लेकिन सदगुरु चरण का सेवा कर, वास्तव सदगुरु, ये हमको आके बोलोगे महाराज बोला, हम तो गुरु का, हम ये नहीं बोलेंगे। हम किसी का निंदा चुकली करने के लिए नहीं बैठे, हम स्टैंडर्ड प्रमोशन दे दे, चाहे आपका दिमाग में दिल में जाए तो कैच कर लो, और नहीं तो जाओ, लेकिन शिकायत नहीं करना, वो ये कर रहा है, वो महात्मा ये कर रहा है, वहां मठ में ये हो रहा है, हमको बोलना नहीं। हमारा गुरु जी ये सिखा दिया, जो जो छोट उम्र कम था, हम गुरु जी को बोल, गुरु जी आप प्रवचन देते हो, देखो वो महात्मा ये कर रहा है, वो महात्मा ये इसको आप प्यार करते हो, वो कर रहा है। गुरु जी एक फटकर लगा, तुमको हम प्रवचन में जो करना चाहिए वो बोलो, और कौन क्या कर रहा है नहीं, हमको नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, किसी का शिकायत नहीं करना, अपने को चेंज करो, अपना दोष दर्शन करो। वो लोग ये करने के लिए आया मठ में, मठ में भोगने के लिए आया है, मठ में भजन करने के थोड़ी आया, ऐसा आया है तो उसको जो जो मांगेगा वही मिले जा। तो यहां जो है तापत्रय विनाशायो, ये जो तापत्रय है, जो तीन ताप के बारे में अभी हम बताया, डेफिनेशन थोड़ा दिया, ये तीन ताप से चुटकी लगा के छुट्टी हो जाएगी, लेकिन कर नहीं रहे। तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णायो वयम नमः, ये तापोत्राय से छुटकारा मिल जाए, इसी का नाम है परात्पर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बताए, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का मतलब है राधा रानी, शहीद श्री मतलब राधा रानी, उसका साथ कृष्ण। लेकिन इसमें नारायण का भजन करे तो होगा नहीं महाराज, बोले होगा, लेकिन श्री कृष्ण स्टैंडर्ड बताए, इसलिए श्री कृष्ण भजन में आपका तमाम रसों का समाहार एक साथ आपको मिलेगा। नारायण में संतो रस का साथ आप भजन करोगे और ज्यादा तक जा नहीं पाओगे, शक्कर रस भी थोड़ा बहुत है हाफ, लेकिन श्री कृष्ण बोल के छोड़ दिया। इसका मतलब यह नहीं कि जो राम जी का भजन करे तो होगा नहीं, वृंदावन में बहुत चुक चर्चा होता है, बहुत लड़ाई होता है, ये गौड़ियों वाले जो बोलता है, जगतेर पिता कृष्णो जैना भवे बाप पितृद्वही पातकेर जन्मे जन्मे ताप, अब कृष्ण को ही भजन करना पड़ेगा,
क्या हमारा तापत थोड़ा जाएगा नहीं, हम राम जी को भजन करें? जरूर जाए। तो क्यों बोला आप लोगों का ये बाप प्रवचन? बोले महाराज इसलिए बोला कृष्ण कोई अवतार नहीं, अवतारी है, स्वयं अवतारी। इसमें कृष्ण बोलने से सारे अवतार ऑटोमेटिक सत्य आ जाता है। नारायण भी है, वामन जी भी है, नृसिंह जी भी है, राम जी सब ऐसे कृष्ण से कृष्ण नाम में आ गए। तपोत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय व्यम, इसलिए होता श्री कृष्ण शब्द को। और गोस्वामी जी तुलसीदास जी भी बहुत सारे बताएं, लेकिन रस का बारे में विचार करो तो बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा। वेदव्यास जी लिखा, और वेदव्यास जी का भागवत जी महापुराण का जो रस है वो सुख मुखाद अमृत दव संयुतम, जब विचार होगा अभी दो एक दिन का अंदर शायद काली होगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय व्यम नमः, और कृष्ण भगवान को हम दंडवत करते हैं। और व्यम नमः, व्यम व्यम नमः, इसमें हम लोग बहुवचन प्रयोग किया, किस लिए? क्योंकि वेदव्यास जी कातर होके प्रार्थना कर रहे, आप लोग क्यों खामा खा समय को खराब कर रहे हो, चलो आओ एक साथ, हम स्वार्थी नहीं है। व्यासदेव जी यहाँ जो बहुवचन व्यवहार किया, बहुवचन सिंगुलर नंबर नहीं, यहाँ सिंगुलर नंबर नहीं, यहाँ व्यम नमः, व्यम नमः, नमः व्यम, व्यम नमः, हम लोग नमन करते हैं। इसलिए बहुवचन व्यवहार किया, इसलिए कि तमाम जगतवासी के सामने वेदव्यास जी एक इनविटेशन रख दे, तुम भी निमंत्रित है, आओ, तुम्हारा ये निमंत्रित है। रविंद्रनाथ ठाकुर जो है वो तुम्हारा लगता है जड़ जगत का कवि है, जड़ जगत का कवि तो है ही है, लेकिन फिर भी आधा कंसेप्शन उसमें है, क्योंकि वैष्णव का संग किया, भक्तविनय ठाकुर का संग किया, शिल प्रभुपाद जी से हरिकथा सुना, रविंद्रनाथ ठाकुर, रसिक मोहन विद्याभूषण बड़ा बड़े रसिक भक्त तो है, जिसका जन्म हुआ था एक चक्रा धाम में, उसका संग, बहुत सारे वैष्णव का। इससे रविंद्रनाथ 100% जड़ जड़ को भी नहीं है, कवि नजरुल इस्लाम वो भी 100% जड़ को भी नहीं है, 50%। हाँ, जो लोग ये सब सुनते हैं, ये लोग का कीर्तन जो गान लिखते हैं उस गान में भी है, सवार निमंत्रण जगतेर महाजोग्य सवार निमंत्रण बोल के एक गान आता है रविंद्रनाथ ठाकुर, हम तो ये गाने के लिए बैठे नहीं कि ये जो कंसेप्शन है ये भी यहां से ही आया है, कथा से। ओ तो सदगुरु चरण का सेवा करो गुरु वैष्णव का, इसमें आपका क्या होगा, पूरा बुद्धि शुद्धि हो जाएगा। और त्रिताप जय करना तो मामूली बात है, त्रिताप जय करना तो मामूली बात है। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण बताए, इसका बारे में सायंकालीन अधिवेशन में चर्चा करेंगे। रजस तमश्च सत्येन सत्यंच उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो हि अंजसा जयेत, इसका व्याख्या सायंकालीन अधिवेशन होगा, अनायास जय हो जाए। क्यों रो रहे हैं? सारा जिंदगी तुम अपना ये त्रिगुण से छुटकारा लेने के लिए तुम गंवा दिया, खराब कर दिया, तुम ठीक नहीं है। तो यहां जो है व्यासदेव जी सुंदर बताएं लिखा, और इसके बाद सुंदर बताएं कि जंग रवयन मन पेतम अपेत कृत्यम दैपायन विरह कातरवाजुहाव पुत्रेत तन्मयत यातरवो विनेदुं स्वं सर्वभूत हृदयम् मुनिमान तस्मी। ये श्लोक का व्याख्या भागवत का मूल पाठ जब होगा अभी, तब ये श्लोक है उधर, वहां व्याख्या करेंगे। हाँ, व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी जा रहा है, जन्म का बाद जन्म लेने का साथ साथ प्रवज्ञा संन्यास लेके जा रहा है, और व्यासदेव जी सुखदेव जी जा रहा है लड़का, और व्यासदेव जी पीछे से रो रहा है, पुत्र आ जाओ। इसका बारे में व्याख्या मूल पाठ जब होगा। अब यहां सुनो सीक्वेंस, किस सिचुएशन में भागवत का महिमा जो है, भागवत प्रवचन हुआ था, उसका थोड़ा ध्यान लगा के सुन लो। नैमेश सुतमासिनम अभिवाद्य महामतिम
कथामृत रसा स्याद कुशलः सौनुक अवभृत। नैमिष क्षेत्र नैमिषारण्य में भागवत का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था? बोले भागवत का अधिवेशन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रवचन किए सुखताल क्षेत्र में। सेकंड अधिवेशन जो है उससे के ये जो है सुतदेव गोस्वामी ये जो ऋषि मुनि हैं 88,000 ऋषि के सामने प्रवचन किए। गोकर्ण जी का प्रवचन बाद में हुआ। ये जो सेशन है भागवत का अधिवेशन एक फर्स्ट सेशन प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा करके ये जो है ये सेकंड अधिवेशन है। यहाँ नैमेश निमिष नैमेश का निमिष नैमेश क्षेत्र इसका नाम नैमेश किस लिए हो ये भी हम मूल पाठ में बताएंगे अभी नहीं बताएंगे। तो नैमेश क्षेत्र में सुत गोस्वामीपाद व्यासगद्दी में बैठे हुए हैं उसको वंदना करके बैठाए। सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम उसका वंदना किया पूजन किया। और कथामृत रसास्याद कुशल कथामृत रस आस्वादन करने का जो योग्यता है ये जो ऋषि मुनि हैं सनकादि ऋषि ये मामूली ऋषि नहीं है। ये ऋषि मुनि जो है इसका कहाँ कहाँ तक इसका पावर है सुनने को है रहा। लेकिन वो लोग भी अभी ये कथामृत रसास्वाद कुशल कुशल कथा श्रोवण करने बहुत आदमी बैठता है लेकिन कथा सुनने का जो टेक्निक है चतुर है वो नहीं मिलता। भागवत कथा जो श्रोवण करने का जो टेक्निक है जिस अवस्था में अवस्थित होकर ये कथा को सुनना पड़े कथा मृत रसास्त ये होता नहीं। इसलिए एक कथा का साथ साथ ही उन लोगों का सुविधा नहीं होता नहीं तो एक कथा का साथ साथ सब सुविधा हो जाए सब परीक्षित महाराज को स्वरूप सिद्धि हो गया इतना आनंद। तो कथामृत रसा साधु कुशलहा सनुको सनुक आदि ऋषि सब ये अभी प्रश्न कर रहे हैं। सनुक आदि ऋषि अभी गुरु जी का सामने गुरु आसन में बैठा तो गुरु ही है शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु तो है ही है। दीक्षा गुरु से दीक्षा लियो और जिससे ज्ञान प्राप्त करोगे तो वो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु है। इसीलिए दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों का बारे में चैतन्य चरितामृत में सिंगुलर नंबर एक वचन व्यवहार किया तासोबार कुरी है। ये जो तासोबार कुरी तो है ही एक जगह लेकिन दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के एक वचन व्यवहार किया दिखाएंगे हम। तो इसका कारण है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु जो है तत्वों का विचार करो तो तत्वों में मूल तो मूल जो है एक ही है लेकिन दीक्षा गुरु हमको संबंध ज्ञान दिया इसलिए थोड़ा उसका पोजीशन है एक ही है। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु भेद नहीं है ये चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में सुंदर बताया। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक इसके बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन फिर भी जिनसे हमको संबंध ज्ञान मिला है उसका आसन और थोड़ा ऊंचा क्योंकि वो संबंध ज्ञान दिया मंत्र दिया अब मंत्र देवोता वो मंत्र का रूप में हमारा पास आए और कभी हमको अपना स्वरूप दिखाएंगे हमको सिद्धि हो जाएगी। और लेकिन एक बात दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक तत्व बोला इसलिए ये संबंध अविद्य अप्रयोजन तीन तत्व है इसमें एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ संबंध ज्ञान प्राप्त किया अविद्य शुरू नहीं किया हो ही नहीं सकता। और संबंध पक्का नहीं होने से आपको शिक्षा गुरु से शिक्षा लेना पड़ेगा कब संबंध ज्ञान जाके पक्का होगा। संबंध ज्ञान जब तक पक्का ना हो तब तक आप जो दीक्षा लिए हो दीक्षा परिपूर्ण नहीं हुआ आपका जो दीक्षा नामक क्रिया जो है वो परफेक्शन में पहुंचा नहीं। दीक्षा लिया थोड़ा बहुत दीक्षा लिया लेकिन दीक्षा का कंप्लीट दीक्षा का जो मानी है दीक्षा शब्दों के द्वारा जो माने रखता है वो माने जो मीनिंग है उस तक आप पहुंच नहीं पाए। लेकिन संबंध गम जब पक्का बैठ जाए तब ऑटोमेटिकली ओविद्य शुरू हो जाएगा। हम उदाहरण देते हैं जैसे जैसे आपका शादी होने का बाद जो पति देवता का संबंध हुआ संबंध होने का बाद आत्म क्योंकि विवाह का समय में आत्मसमर्पण हुआ विवाह का जो वेद में जो मंत्र आता है ना
मंत्रों में, वेद में जो मंत्र होता है, जब विवाह का टाइम में उस विवाह का मंत्रों में स्वयं आता है आत्मसमर्पण जो है वहां आता है, हैं जदिदम हृदयं ममो तदिदम हृदयं तवो, हैं ये मंत्र आता है, ये मंत्र में स्वयं है तुम्हारा आत्मसमर्पण। तुम समझा नहीं, विवाह जब किया उस मंत्रों में स्वयं है तुम्हारा आत्मसमर्पण हुआ। आत्मसमर्पण होके स्वामी का होकर स्वामी का सेवा करो, स्वामी का चरण में आत्मसमर्पण किया और उसका बाद स्वामी सेवा हो रहा है ना, तब स्वामी सेवा सम। इससे गुरु चरण में आत्मसमर्पण नहीं किया तो गुरु सेवा परफेक्ट नहीं हो रहा। जब आत्मसमर्पण पक्का होगा तो शुरू होगा। बहुत सारे प्रवचन है गौड़ीय फिलोसॉफी जो इतना गंभीर है, हम सिर्फ किताब बंद करके एक एक टॉपिक के ऊपर दो साल पांच साल बताते चले, खत्म होगा नहीं। दीक्षा का बारे में बताते चले सब एक एक पॉइंट। तो गौड़ीय दर्शन में बोरा ऊंचा भावना है, ये जगत का जो प्रवचन है उसमें ये सब छोभी छोएगा भी नहीं, सपने भी नहीं आएगा वो लोगों का। तो ये जो है कथा साधन करने के लिए बैठा हुआ है और सनकादि ऋषि अज्ञान धंत विध्यांसो कोटि सूर्य सम प्रभो सुताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले ये रसा साधन कर सुतोदेव, हे सुतोदेव गोस्वामी को प्रार्थना किए, अज्ञान 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 आरुरो अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हम लोग, इसी अवस्था में कोटि सूर्य सम प्रभम कांति विशिष्ट हम लोगों को सुनाने के लिए जो पैदा हुआ आया है हमारा सामने कौन, सुतदेव गोस्वामी। क्योंकि सूर्य उदय के साथ ये जगत का जो अंधेरा है वो जाता है, ये जरूर है। सूर्य उदय का साथ साथ सब सारी चीज समान दिखाई पड़ता है, कहाँ अंधेरा में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये जो सुता ये जो सुतदेव गोस्वामी आए हैं गुरु, सुतदेव गोस्वामी गुरु व्यास गद्दी में बैठे हुए हैं, इनके द्वारा जो प्रवचन होगा इसके द्वारा कोटि सूर्य उदय एक साथ जुगपत एक ही साथ उदय होने का बाद भी ये अंधेरा दिल का अंधेरा नहीं जाएगा, दिल का अंधेरा नहीं जाएगा। दिल का अंधेरा तो तब जाएगा जब सदगुरु वैष्णवों से प्रवचन सुनते रहोगे तब आपका दिल का अंधेरा जाएगा। बाहर में ऐसा मापी करोड़ों सूर्य उदय हुए, करोड़ों चंद्रमा उदय हो जाए, चाहे भले बहुत रोशनी फैल गया चारों ओर, फिर भी उसमें कोई हृदय का अंधेरा जाने वाला नहीं। सदगुरु मेरे सदगुरु मिले भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कैला का मैला छूटे जब आग करे प्रवेश। जब एक टुकड़ा कैला को आग में फेंक दिया तो उसका कालापन खत्म हो गया, अभी देखने में मोल्टेन गोल्ड कच्चा सोना जैसा, लोहे का टुकड़ा वो भी काला है, उसको फेंक दो आग में, दस मिनट रुको और देखोगे लोहे का टुकड़ा कालापन कहाँ गया, वो सोने जैसा वर्ण हो गया। लेकिन फिर उसको निकाल कर बाहर निकाल दो आधा घंटा भी नहीं, दस पंद्रह मिनट के बाद फिर कालापन आ गया। इसलिए कंटिन्यूसली ट्राई टू गेट इन कंटेक्ट विद गुरु वैष्णव, गुरु वैष्णव का साथ अनुक्षण संग में रहो। मानस में या तो फिजिकली संभव है, कितना दुर्भागा है भागवत मंदाकिनी कथा कहाँ से चलकर कहाँ प्रवाहित होते होते यहाँ पहुँचा, लेकिन इतना अकलमंदी है, बुद्धि कम है, सारे संसार का चीजों में फंसा हुआ है, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है कथा को सुने। इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात नहीं है, कभी भी इसका कृपा नहीं मिलेगा। क्यों? उसको तो कृपा करने के लिए ठाकुर जी भेज दिए, लेकिन उसे सुनने का है ना, दवा खाएगा नहीं तो उसका तकदीर तो बदलेगा नहीं। इतना यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आ नहीं सकता, जहाँ से 100-100 किलोमीटर पढ़ करके आए हैं और वहाँ से एक दो कदम चल नहीं सकता उधर से इधर, कितना अकलमंदी है, कितना बुद्धि खराब है, वो मरने का ही उसका विचार है, तो क्या करें हम। तो ये प्रवचन के द्वारा अज्ञान और ध्यान तो विध्वांस कोटि सूर्य सम प्रभो सुताक्षाई कथा स्वारम मम कर्ण रसायनम, ये कर्ण रसायन स्वरूप ये कथा प्रवचन जो चले उसके द्वारा हृदय का जो अंधेरा है ये तो अंधेरा जो है वो मिट जाए, जरूर मिट जाए। हृदय का अंधेरा तो एकमात्र एक ज्ञान के द्वारा ही
रीते ज्ञानात्म मुक्ति, रीते ज्ञानात्म मुक्ति, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होता है। अरे भक्ति होने से क्या, अरे भक्ति का मतलब ही ज्ञान का पक्का अवस्था, वो प्रवचन नहीं कर सकता, लेकिन गुरु के पास ऐसा हुआ है भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो अल्टीमेट विषय है। ज्ञान किस लिए भक्त है, ज्ञान का जो अल्टीमेट विषय है अल्टीमेट, वो भक्ति में स्वतः है। ये सब बारे में चर्चा करेंगे हाँ, बहुत सारे। इसलिए देखो रीति ज्ञानात्मक मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होता जड़ संसार से। और वो मुक्ति भी अल्टीमेट रिजल्ट फल नहीं देगा जब तक भक्ति नहीं मिलेगा। भक्ति मिलने से, भक्ति का साथ साथ ही वो ज्ञान का सिद्धि होता है, नहीं तो होता नहीं। जय जो भी है, आप यहां कलिकाल है, घोर कलिकाल इसका वर्णन कर रहा है। ये तो तुम्हारा सनकादि ऋषि प्रवचन कर रहा है, प्रवचन मतलब बोल रहा है गुरु जी का सामने, ये प्रार्थना बोल, ये एक किस्म का प्रार्थना है गुरु जी का सामने। गुरु जी को, गुरु जी का चरण में प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम इस स्थिति में हैं, हम लोग इस स्थिति में पड़े हुए हैं, आप कृपा करके प्रवचन बोलो। इसीलिए बैकग्राउंड और जो पहले का स्तुति है वो कर रहा है, हम इसी अवस्था में पड़े। इहो घोरे कलु प्रायो जीवश्च सुरतम गतः क्लेशो क्रांतास्तस्यैव सदने किं परायनम। इहो घोरे कलु, ये घोर कलिकाल में जितना सारे जीवात्मा है सब असुर बन गया। इहो घोरे कलु प्रायो जीवश्च असुरतम गतः, असुरतम मतलब असुरत्व प्राप्त हुआ, सब हृदय में एक एक जैसा लगता है सब असुर बन गया, किसी का अंदर में भक्ति नहीं है, असुरतम गतः। क्लेश क्लेशाक्रांतो, क्लेशाक्रांतो क्लेश के द्वारा आक्रांत होकर उसका शोचनीय दशा हो गया। क्लेशाक्रांतो जो क्लेश के द्वारा मोहित है, इतना कष्ट मिल रहा है जितना सारे जीवात्मा, इन लोगों का शोधन का व्यवस्था कैसे हुए, इन लोगों का जो शोधन है प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, तो इसका प्रोसीजर क्या है, इसका जो प्यूरिफिकेशन है कैसे करें। बोले महाराज तुम सोने का जो प्यूरिफिकेशन करोगे, सोने को आग में जितना जलाओगे तो वो सोने जितना जलाओगे उतना कैरेट उसका प्यूरिटी बढ़ जाएगा, है ना, कितना कैरेट गोल्ड है हाँ। जितना सोने को जितना आग में जलाओगे उतना प्योर हो जाएगा उतना। और ये जो है देखो इधर, ये जो प्यूरिफिकेशन है आत्मा का, इसका व्यवस्था क्या, वो सोने को तो आग में जलाया जाए तो होगा, लेकिन आत्मा को कैसे प्यूरिफाई करे। बोले क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्, इसका शोधन के लिए क्या पारायण होना चाहिए, क्या प्रवचन होना चाहिए, किस टॉपिक पर, किस विषय पर, जो एक श्रवण के साथ साथ आत्मा का सारे व्यवस्था हो जाए, सारे व्यवस्था, सारे समस्या का समाधान, लापरा खत्म, पूरा पूरा दिल का पूरा सफाई हो गया, बस भक्ति हो गया, बस अंतिम में सिद्धि हो गया, भगवान के चरण में एक भगवत कथा श्रवण के साथ साथ भगवान के चरण में पहुंच जाए, एक भगवत कथा का। तो ऐसा ही है, तो क्लेशाक्रांत स्वतः शोधने किंग पारायणम, किंग प्रश्न है क्या पारायण होना चाहिए, क्या प्रवचन होना चाहिए। और हम तो जंप लगा रहा हूं क्यों, क्या करे, यहां चर्चा करें वहां से वहां जंप करो, क्योंकि एक महीना कुछ भी नहीं, एक महीना तो कुछ हमारा नजर में लगता है पल भर में एक महीना गया हमारा, लेने में जो जहाँ जाके बैठता हूँ मैं, एक पल भर में हमारा एक महीना चला गया, कहाँ कुछ नहीं बोल पाए, ऐसा दुख लगता है। तो थोड़ा सा हम इसको जिस्ट आपका सामने बताएं, क्योंकि पूरा खुल्ला खुल्ला पूरा व्याख्या हो नहीं पाएगा, समय स्वल्प है। और चिंता मुनिर लोक सुखम सुरेंद्रो स्वर्ग संपदम, किसी किसी जगह सुरेद्रु सुरोद्रु, सूरोद्र माने स्वर्ग का गांव, गाछ पेड़,
और किसी किसी जगह में किताब में लिखा हुआ है सुरेंद्र स्वर्ग संभव, सुरेंद्र मतलब सूर देवता, वो स्वर्ग में जो राजा है सुरेंद्र, दोनों शब्द है। किसी किसी जगह किसी ने डाउट होता है महाराज क्या गलत पाठ कर रहा है, नहीं दोनों ही हम बता दें कि किस किसी किसी जगह ऐसा पाठ है, किसी जगह ऐसा पाठ है। चिंता मनिर लोक सुखम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम प्रजच्छति गुरु पीतो वैकुंठम जोगी दुर्लभम। जो वैकुंठ लोग जोगी का भी दुर्लभ है, ऐसा ऐसा जोगी है हजारों साल बैठ के भजन कर अभी भी गुफा का अंदर। कठियादास बाबा, कठिया बाबा का नाम सुने हो, आदि कठिया बाबा, अरे बाप रे बाबा हिमालय में गया, वहां एक घटना हम सुने, ढूंढते ढूंढते एकदम अंधेरा हो गया, वो क्या करे, वहां तो मर जाएगा, ओपन नहीं रहेगा हिमालय में बाहर पहाड़ी चट्टी, तो गुफा का एक गुफा का मुंह उघाड़ कर सोचे कि रात को गुजारा कर ले सुबह में चल। गुफा किसी हालत से बहुत हटाया, देखा रे बाप रे एक जोगी बैठा हुआ भजन कर रहा है, कितना सालों से कोई नहीं जाने, बहुत सारे घटनाएं, हमको ये बोलने का रुचि नहीं है अभी। तो चिंता मने लोको सुखम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम गुरु प्रजच्छते गुरु हो प्रेतो वैकुंठ जोगी दुर्लभ। जोगी मुनि ज्ञानी कितना सालों साल भजन कर रहा है लेकिन सिद्धि नहीं मिल रहा। हम बताएंगे, देखो भिल्ली बाई सवरी सवरी मैया, इसका बारे में हम बताएंगे शाम को, जय कैसे सिद्धि मिल गया। तुम्हारा 100% विश्वास हो जाएगा, जो आदमी इधर सुनने बैठे हुए हो, हमारा प्रवचन खाली नहीं जाएगा, हम ये प्रतिज्ञा करके प्रवचन करते ठाकुर जी का, के बाद जो कुछ ही का कानों में प्रवचन गया, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसु, परसु नहीं के तरसु, किसी भी जिंदगी में उसका चेंज होगा होगा। अगर अपराध किया तो इस जन्म में इस जन्म, लेकिन खाली नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा कोई आशा नहीं है, कोई आशा लेके हम प्रवचन नहीं कर रहे। तो जो भी है, ये जो वैकुंठ लोग है, प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है, मिलता नहीं। बहुत काल से जोगी भजन कर रहा है, जोगी ज्ञानी कुछ नहीं हो पा रहा। अरे गुरु अगर, सदगुरु अगर संतुष्ट हो जाए, सदगुरु हमसे अगर सदगुरु का कृपा हो जाए, जैसे शाम का प्रवचन में हम बताएंगे उपमन्नु का कहानी, और काल बताया था आपका वही सत्यकाम का कहानी, ब्रह्म का चार पात जो है, पहला पात, दूसरा पात, तीसरा पात, चौथा पात कैसे सिद्धि हुआ था, हैं सब ये सब बताया था थोड़ा बहुत। उपमन्नु का भी सिद्धि देख लोगे, लेकिन एकोलव्य का सिद्धि नहीं हुआ। इस बारे में बड़ा भारी लंबा चौड़ा प्रवचन होना चाहिए। एकोलव्य का माफी का अगर आपका आपका आर्गुमेंट आ जाए दिल में, तो आप एकोलव्य बन जाओगे, लेकिन भक्ति नहीं होगी। बहुत आदमी उल्टा पलटा प्रवचन देता है, देखो एकलव्य का क्या हो गया, कितना तीर धोनू का विद्या आ गया। अरे महाराज, जस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ माइंड, वो गुरु सेवा नहीं किया। गुरु सेवा तो वो है जो गुरु जी बता रहे वो करो, वो तो नहीं किया। एकलव्य तो उल्टा रहता है। इस बारे में हम प्रवचन करेंगे, एकादश कंधो आए धीरे धीरे, सब गुरु शिष्यों का मामला आए तो हम बताएंगे। तो ये चिंता मनीर लोक सुखम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम, ये चिंतामणि जो है, चिंतामणि जो स्वर्ग राज्य में, चिंतामणि के सामने ओ तुम जो चिंता आएगा तुम्हारा मन में, ये सच्चा बना देगा। चिंतामणि किसको बोलता है? चिंतामणि को स्पर्शमणि नहीं, स्पर्शमणि तो स्पर्श करोगे तो स्पर्शमणि, चिंतामणि स्पर्शमणि वृंदावन में मिला था, अकबर बादशाह देखा, वो कहानी हम बताए दूसरे प्रवचन में। सनातन गोसाई के सामने जो ब्राह्मण आया था, विश्वनाथ स्वप्नादेश किया, तो एक तू संपत्ति का बारे में चिंता कर रहा है, तो लड़की का शादी दे, मतलब गरीब ब्राह्मण है बर्धमान किसी इलाका में, इलाका से गया, विश्वनाथ जी के पास जाके रोया बहुत दिन। विश्वनाथ सपने में आकर, जा वृंदावन में चले जा, सनातन गोसाई के पास बड़ा भारी संपत्ति है, उसके पास जाके ले ले,
तेरा नंगापन जो है, नंगापन तेरा जो नंगापन है समाप्त हो जाए। और सनातन गोसाई के पास गया और रो रो के, अब वो सनातन के पास कुछ है ही नहीं, एक लोटा है, कंबल है, वो कोपिन है। साधु का तीन संपत्ति है, लोटा सोटा लंगोटा, तीन संपत्ति, इसको छोड़ के कुछ है ही नहीं। सनातन को रोया, अब बोला संपत्ति दे दो। संपत्ति मेरा पास तो कुछ नहीं है। नहीं, विश्वनाथ जी ने बताया। हाँ, विश्वनाथ जी ने बताया, अब तो पहले था, पहले आता तो दे दे तो सोने गोल्ड कॉइन जो है, सोने का मोहर जो है मिल जाता बहुत, अब तो सब बांट दिया, अब तो कुछ नहीं है। नहीं, विश्वनाथ जी बताया, आप देना ही पड़ेगा आपको। रोया बहुत। बाद में सनातन की ख्याल आई, एक तो मिला था पत्थर, वो पत्थर तो हम गाड़ के रख दिया जमुना का, ये जो तट है उसमें बालिक बालू का अंदर, क्यों ना ये दे दे उसको, इसका काम में आ जाए। तो बालू का अंदर से उस पत्थर को उठाया, उठक वह ले जा, अरे तो पत्थर है, लेके क्या, अरे पत्थर नहीं है पागल, वो देख तो सही क्या है, लोहे का साथ स्पर्श किया, सुना मुनि, अरे कमाल किया, हो गया, अब तो जहां स्पर्श करे वही सुना हो जाएगा, अब तो हमारा अभाव रहेगा नहीं पूरा। हमारा इलाका में हुआ था एक दफे, एक व्यक्ति उसका कपड़ा का दुकान है हाथी बाजार में, वो एक एरिया को पुराना मकान को खरीदा, आ खुदने का बाद, खुदने का साथ साथ उसमें सात घरा ना आठ घरा गोल्ड कॉइन निकला, और सरकार को पता चल गया, वो लेके गया, वो कुछ दिया उसको जो भी है ऐसा है। तो ये जो स्पर्श मणि है, स्पर्श मणि स्पर्श कराया लोहा का साथ तो सोना बन गया, वो दौड़ लगाया, अब हमारा चला गया नंगापन तो हमारा खत्म है। और जाते जाते कैसा धक्का लगा, अरे जो संत महात्मा ये पत्थर को ये ले जा ऐसा करके बाएं अंग रे ले जा ऐसे दिखाया, उसका कितना बड़ा संपत्ति है उसका पास, जो उसको उसको कोई कीमत नहीं दिया। अरे फिर वो पत्थर को लेकर वापस आ गया, ये संपत्ति नहीं लेंगे, ये संपत्ति तो तू मांगा है दे दिया, और नहीं आपके पास कौन संपत्ति है जिसके लिए ये संपत्ति को ठुकरा दिया, आपका पास कौन सी संपत्ति है ये बताओ हमको, हमारा दिमाग में अभी आया, हम तो दौड़ लगाया था लेकिन वापस आ गया, आपका पास जो संपत्ति वही हम लेंगे, हमारे पास तो कुछ ना है, बोल के पत्थर को जमुना का पानी में फेंक दिया, जा। रविन्द्रनाथ ठाकुर उसको लिखा उसी लीला को, जे धने होइया धनी मानी मनीरे मानो ना मणि, तारी है कौन मांगी अमी नतो सिरे, जिस धन में धनी होकर इस धन को आप ठुकराया, उसी धन का एक कण हमको दे दो, हम भी मालामाल हो जाए। अकबर बादशाह भी आया था, खबर मिला ऐसा ऐसे एक पत्थर है सनातन बाबा ने दिया था, ये पागल जमुना में फेंक दिया। अकबर बादशाह बोले वो उसका कोई काम के नहीं हो तो उसो बाबा है, हमारा कोई काम का आएगा, हम राजा है, और जाके पूरा लोक लगा दिया, इतना हजार लोग जमुना का पानी को छानबीन किया, जहाज लेके आ गया, बोले ये पत्थर हमारे लिए काम ही, हमारा काम का है, बहुत काम का है, हम पत्थर हमको चाहिए। लेकिन अकबर बादशाह को दो दिन चार दिन ढूंढने का बाद भी वो पत्थर हाथ में नहीं आया, क्योंकि ठाकुर जी का इच्छा नहीं। लेकिन अकबर बादशाह विश्वास किया 100% कि वो पत्थर जो है वो स्पर्श मणि है, क्यों, वो जहाज का जो एंकर है, एंकर जहाज से जो जहाज को एक जगह जमा के रखने के लिए जो लोहे का होता है कांटे, वो फेंक दिया था, उसका साथ ये सोने का वो जो स्पर्श मणि का स्पर्श हो गया था, जो एंकर को उठाया अधिकारी सोना हो गया पूरा, कितना टोन है वो, अकबर बादशाह विश्वास कर लिया वो हाँ स्पर्श मणि जरूर है। तो ये जो है ये चिंता मणि, आप ये मत समझो कि महाराज गप बोलने बैठे हैं, ये नहीं, चिंता मणिर लोक सुखम, चिंता मणि जो है ये जगत का सुख उत्पन्न करने वाला, किसी के पास अगर चिंता मणि है, हम तो यूं कहें कि हरिनाम जो है यही चिंता मणि, लेकिन इसको दूसरा काम में मत लगाओ, को खराब काम करोगे, गलती काम करोगे, अपराध करोगे और उल्टा सीधा करोगे, और हरिनाम करके वो पाखंडी बन जाओगे। हरिनाम का ऊपर चिंतामणि कुछ नहीं है, नाम उस चिंतामणि, इत्यादि श्लोक का व्याख्या करेंगे, अब तो प्रवचन शुरू ही हुआ है, एक डेढ़ दिन हुआ,
ये इस प्रवचन में आप सुनोगे क्या सुंदर बात। नाम उस चिंतामणि, नाम हरिनाम जो है ये चिंतामणि, जो चाहिए वही देगा। लेकिन हमारा विनती है हरिनाम को ऐसा यूज मत करो, नाम का नाम नाम अकारी बहुदा निज सर्व निज सर्वशक्ति सत्तर पिता नियमित न स्मरणे न काल एतद्दिश तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिद्विषम मिहाजनी नानु राघा। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक का दूसरा श्लोक है, हमारा दुर्दैव है, हमारा नसीब फूटा है, जला हुआ है हमारा नसीब, इसलिए हरिनाम हरिनाम जैसा ऐसा मणि चिंता मणि आप दिए हो ठाकुर जी, लेकिन हमारा नसीब खराब है, हमारा हम कुछ नहीं कर पाए। तो चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि जो है आपका हाथ में आ जाए तो ये जगतिक जगत का जो सुख है एंजॉयमेंट है आप हासिल कर सकोगे वेरी इजीली। लेकिन आज स्वर्ग का जो सुरोद्रु स्वर्ग का जो पेड़ है, किसी किसी पाठ है किसी किसी जगह सुरोद्रु, सुरोद्रु माने स्वर्ग का पेड़, कल्प स्वर्ग में रहता है, इच्छा मात्र फल देता है स्वर्ग में, ये जो है पेड़ इसका सामने कुछ भी मांगो। गोलोक में रहता है चिंतामणि है, चारों ओर चिंतामणि बिखरे हुए हैं, यहां तो एक चिंतामणि का बात कर रहे हैं, गोलोक धाम वृंदावन में बिखरे हुए हैं चिंतामणि चारों ओर, और वृक्ष जो है वृक्ष एक वृक्ष का पास जाकर जो मांगोगे वही देगा, कल्प वृक्ष वृंदावन में कल्प वृक्ष। इसलिए हमारा गुरुवर्ग ने शिक्षा दिया वृंदावन में जाके किसी वृक्षों को काटो मत, तुम वृंदावन में जाओगे तुम वृक्षों को काटोगे, काटो मत कष्ट मत, वो सब मणि ऋषि है उद्धव जी जो है वो बोलता है वृंदावन में गुलम लता होकर हम रहना चाहते हैं, आशा मोह चरण रेणु जूसा महोसम, ये सब स्वरूप का चर्चा होगा। वृंदावन का रास्ते का किनारे हम पेड़ पौधा लता गुल्म होकर पैदा होना चाहता हूं ठाकुर जी, ये हमारा सौभाग्य बना दो, क्यों इसमें गोपियों का ब्रजवासियों का जो चरण रज है हमारा मस्तक में परे तो हम मालामाल हो जाएंगे, ये तो संपत्ति एक पार्टिकल। उद्धव संवाद जब पढ़ोगे तो हम विचार करके देखा रोना आ जाएगा, उद्धव जी बोला एक रेणु, चरण रेणु तो बहुत हो सकता है लेकिन एक रेणु मांगा, एक रेणु दो तो हम ब्रह्मा भी ऐसा मांगा, ब्रह्मा भी मांगा प्रार्थना किया ठाकुर जी का, एक रेणु दे दो कतमंग्री रेणो विषय रेणो विषय कहा जो भी है, या जो है जो चिंता मुनि है वो उसके द्वारा आपका जगत का जो ये 14 भवन का जो संपत्ति है मिल सकता है, लेकिन वास्तव सुविधा नहीं होगा। आप प्रयोजत गुरु हो पितो सदगुरु, अगर जो भगवान का भक्ति करते हैं वो सदगुरु जैसा उनके सदगुरु का एक सदगुरु का कृपा प्राप्त हो जाए मिल जाए तो उसमें क्या हुआ वैकुंठ जोगी दुर्लभम, वैकुंठ योगियों के लिए सुदुर्लभ है ये भी अनायास मिल जाएगा, गुरु प्रसन्न हो तो मिल जाएगा। माधवेंद्र पुरीपाद का सामने माधवेंद्र पुरीपाद का सेवा किया कौन, ईश्वर पुरीपाद, एकदम अंतिम समय तक सेवा करते करते जब ये सिद्ध महात्मा सोया हुआ है कभी पेशाब कभी टट्टी अपराकित है ये तो दिखावा है, अब वो सब परिष्कार किया साफा किया और सेवा किया, इतना सेवा किया जो गुरु प्रसन्न होकर ऐसा आशीर्वाद किया जा सब सिद्धि हो जाए जो चाहे भक्ति सिद्धि हो गई। एक दूसरा शिष्य है उसका नाम रामचंद्रपुरी, वो गुरु जी को उपदेश देने के लिए आया है, गुरु जी आप क्यों रो रहे हो, आप ज्ञान सिद्ध हो आप रो क्यों रहे हो, ऐसा करो तो आप ज्ञान के बारे में चिंतन करो तो रोना खत्म हो। गुरु जी गुस्सा में आके बोले भाग यहाँ हमारे इधर से भाग दफा हो जा, जिंदगी में तेरा शकल नहीं देना चाहता हूँ, गुरु जी को उपदेश करे, ऐसा बुद्धि खराब हो गया, गुरु जी को स्वयं उपदेश कर रहा है, गुरु जी क्यों रो रहे हो आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, दूर हो हमारा दफा हो जा अपना शकल को नहीं देखा, ठाकुर जी नहीं मिला हम रो रहे हैं हमको हमारा सामने ब्रह्मज्ञान को उपदेश जा बात यहां से, उसके उपेक्षा किया वो पाखंडी बन गया।
सदगुरु जिसको उपेक्षा कर रहा है करेगा वो पखंडी हो जाएगा, वो पखंडी बन गया और पुरी में आया श्री चैतन्य महाप्रभु का गलती निकालना शुरू कर दिया। चैतन्य महाप्रभु का गलती, अरे इधर जरूर मिठाई खाया होगा काल रात को, सन्यासी हो मिठाई खाया रात को, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान उसका दोल निकाल, यहाँ चेंटी यहाँ घर में चेंटी क्यों इतना चल रहा है, जरूर आप मिठाई खाया, इतना लोभ है। अरे प्रभु चुप हो गया, अरे आरोप किया, दोष आरोप किया, जब भी किया ही नहीं प्रभु, आरोप किया क्योंकि वो पखंडी बन गया, अपराध करते करते गुरु वैष्णव से ऊपर जाके भगवान का दोष निकाला। तो ये जो है सदगुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो इसके द्वारा क्या होगा, बोले हमको वैकुंठ मिल जाएगा, वैकुंठ लोग मिल जाएगा, जाइए। तो ऐसे करते करते दूसरा श्लोक में आ गया, जो जन्मांतरे भवेत पुण्यम जदा भागवतम लभेत, शास्त्र में बताया गया जो कालो व्यालो मुख ग्रासो त्रासो निर्णय हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ किरण भासितम, कुलयुग में इतना पाप है इतना पखंडी है, ये सबको सबको कैसे उद्धार करे पापी लोगों को, भले का का कालो व्यालो मुख ग्रासो त्रासो निर्णय हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ किरण भासितम, इसीलिए हैं ये भागवत जी महापुराण का उदय हुआ है। एतस्मात् परम किंचित न शुद्धई बोलचे न विद्वते, ये बोलचे एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धई न विद्वते, किसी किसी जगह प्रिंटिंग में मिस्टेक होता है, यहां लिखा हुआ है एतस्मात् परम, एतस्मात् मतलब ये जो भागवत जी है एतस्मात्, एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धई न विद्यते, मन को शुद्धि बनाने के लिए इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं, इतना जल्दी मन शुद्धि हो जाएगा, इसलिए बताया एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धई न विद्यते, मन का शुद्धि प्राप्ति कराने वाले जो भागवत कथा, आज जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा श्रीमद भागवतम लभेत, जन्म 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 आपका सुकृति हुआ, सुकृति भी दो किस्म का होता है, सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे, एक है भोगोन्मुखी सुकृति, एक है भोगोन्मुखी सुकृति, जो सुकृति के द्वारा आपका भोग का विषय जो है बढ़ जाए, एक है भोगोन्मुखी सुकृति और दूसरा है सेवोन्मुखी सुकृति, भोक्तिन्मुखी सुकृति, भोगोन्मुखी सुकृति आपको भोग बढ़ा देगा और सेवोन्मुखी सुकृति जो है ये जो है ये है भक्तिन्मुखी सुकृति, ये आपको भक्ति बढ़ा देगा, दोनों एक नहीं है, भक्तिन्मुखी सुकृति लाभ करे तो उसके द्वारा लाभ होगा और भोगोन्मुखी सुकृति का भोग बढ़ जाएगा, भागवत का तो सुनो बच्चा मिल जाएगा, बच्चा नहीं है घर में, बच्चा पैदा नहीं हुआ, बच्चा हो जाएगा, एक भागवत का तो सुनने को, ऐसा मत करो उसमें अपराध हो जाएगा, उचित नहीं। तो एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धये न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा श्रीमद् भागवतम लभेत, वांछा कल्पतरुष्य कृपा सिंधु भवेच पतितानं पावन भवेष्णभ्यो नमः।